4 जून पे रिजल्ट आना है, कल सबको इंतजार है। एग्जिट पोल भी आपने सबके देखे, अलग अलग सर्वे एजेंसी और चैनल्स के, कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कहना है आपका? देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल भ्रमित करने वाले हैं, ये मैनेज्ड हैं, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का पूरी तरीके से मैनेज्ड प्रोग्राम है वो, जिससे वो लोग बाग प्रशासन के ऊपर दबाव बना सके काउंटिंग के समय, वो अन्य दलों से लोगों को तोड़ने में, तोड़फोड़ करने में जिसमें उनकी महारत हासिल है वो खेल कर सकें, एक जो काउंटिंग में एजेंट्स हैं उनके ऊपर, कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डाल सकें, ये इस तरीके का है। मैं समझता हूं कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, और जो कंपेनिंग चली है, जिस प्रकार का लोगों में माहौल है, जो लोगों में धारणा थी कि 10 साल में कुछ नहीं किया, और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके वोट मांगने की चेष्टा की, धमका के वोट मांगने की चेष्टा की, और पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने, तो उसके ऊपर सब लोगों में गुस्सा था। 10 साल से उन्होंने कुछ काम किया नहीं, उनका 10 साल का हिसाब देना था काम करने का, वो दे नहीं पाए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो न्याय पत्र 2024 दिया था, जिसमें 5 जो हमारी घोषणाएं गारंटियां थी और बाकी 25 और जो हमने गारंटियां दी थी, तो वो सारी मिलाकर के लोगों के दिल में उतरी हैं, लोगों ने उनको सराहा है, और लोगों ने कहा है कि भाई कोई भी पार्टी 10 साल बाद में बीजेपी वोट मांग रही है, वो अपना विजन नहीं बता रही है आगे का, और 10 साल का हिसाब नहीं दे रही है, और जो कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है वो अपना आगे का विजन बता रही है और गारंटी दे रही है, और वो भी गारंटी वो जो तेलंगाना में, हिमाचल में, राजस्थान में, जहां भी उन्होंने हमारी सरकारें हैं वहां हमने दी है, उनको हमने पूरा किया, और मोदी जी की एक भी गारंटी सही आज तक कहीं सही हुई नहीं है। तो ऐसे में जो माहौल बना, और राजस्थान में तो मैं आपको पहले से कहता आया हूं कि हमने शानदार, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छे जो सिलेक्शन हमारे कैंडिडेट के रूप में हुए थे, बहुत अच्छा माहौल था, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो पर्ची सरकार है वो 6 महीने में कुछ नहीं कर पाई, पूरी तरीके से फैलती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल निराश थे, क्योंकि उनकी आशाओं के अनुरूप न तो दिल्ली की सरकार ने काम किया, न या राजस्थान में मुख्यमंत्री उनकी इच्छा के हिसाब से बना, नए मुख्यमंत्री जी ने कोई काम किया, केवल भ्रमित करने वाले भाषण जो है वो भ्रमण के करते रहे, देते रहे, और हमने जमीन के ऊपर काम किया, हमारी सरकार ने 5 साल अच्छा काम किया था, हमने कंपेनिंग अच्छा किया, राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी आए, सबने जो है पूरी तरह। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।